पर जा रहे हैं। 50 पर जा रहे हैं? एन 50 ले रहे हैं, भाई जिन की इलस्ट्रेशंस वाले ग्रुप में नेक्स्ट आपका ऑप्शन है स्क्रीनशॉट वाला। अब जैसे आप कोई ऐसी पिक्चर लेना चाहते हैं जो या तो आपके सिस्टम में नहीं है या आपको ऑनलाइन भी नहीं मिलेगी। जैसे कि आप गूगल क्रोम पे गए, आपने यहाँ पे कोई फॉर्म भरा था, जैसे कि हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं उस टाइम पे हमें कुछ समझाना है, आप टैली ओपन करते हैं या आपने टैली ओपन करी। अब आप इस चीज का ये जो है इसका जो पिक्चर है ये कहाँ लाना चाहते हैं, एक्सेल पे लाना चाहते हैं। पर अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो एक तो टाइम वेस्ट होगा काफी सारा और फिर कोई गारंटी नहीं है सेम मिला कि नहीं मिला। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, आप में एक्सेल पर जाएंगे, इस वाली को मैं यहाँ से हटा देती हूँ, आप यहाँ से पटेली टैली नहीं करते हैं, यही कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसी का ये है ना पिक्चर, इसी का ये स्क्रीनशॉट हमें वहां पे अब लाना, तो आप इसको ओपन रहने देना। अगर आप इसकी जगह किसी टैब का लेना चाहते हैं, कोई प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कुछ किसी भी का भी लेना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर ओपन रखना। आप अपने एक्सेल पर जाएंगे, यहाँ पे इलस्ट्रेशंस वाले ग्रुप में स्क्रीनशॉट के ड्रॉप डाउन पर जाएंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है स्क्रीन क्लिपिंग का, जैसे वर्ड में किया था ना बिल्कुल से। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये मिनिमाइज हो जाता है एक्सेल और पीछे जो आपकी विंडो खुली थी वो ओपन हो जाती है। अब आपके अब आप अपनी क्लिक जो है वो दबा कर रखेंगे और इसे ड्रैग कर देंगे, जितना पार्ट आप लेना चाहते हैं उतना आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप क्लिक को छोड़ दें तो वो पिक्चर कहाँ पे आ जाएगी, एक्सेल पर आ जाती है। हाँ, अब जैसे अब जैसे आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, आप एक्सेल पर जाना, उसे मिनिमाइज मत करना। अगर आप उसे मिनिमाइज कर देंगे तो क्या होगा, आपकी डेस्कटॉप की स्क्रीनशॉट आएगी, इसलिए आपको जिसकी स्क्रीनशॉट लेनी है उसे ओपन रखना है। आप इंसर्ट पर जाएंगे, इलस्ट्रेशन ग्रुप पर स्क्रीनशॉट के स्क्रीन क्लिपिंग पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको शो करा रहा है कि आपकी कौन सी विंडो ओपन है। स्क्रीन क्लिपिंग पर क्लिक करने के बाद जो पीछे आपकी विंडो ओपन थी वो ओपन खुल जाती है और फिर आप जितने पार्ट को स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लेना, वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी एक्सेल पे। फिर ये जो ऑप्शन आएंगे फॉर्मेट वाले, ये पूरे वही पूरे का ले सकते हैं कीबोर्ड से, हाँ फिर वो आपको दिस पीसी में मिलेगा, फिर आपको वो इंसर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेल में आ जाएगा। अगर आप कीबोर्ड से लेना चाहते हैं तो आप विंडो के साथ प्रिंट स्क्रिप्ट वाली बटन है उस पर क्लिक कर दें तो पूरे का स्क्रीनशॉट आ जाता है, हल्की सी ब्लिंक होती है और फिर आपको दिस पीसी के पिक्चर फोल्डर में आपको स्क्रीनशॉट फोल्डर नाम से ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन फिर आपको वो इंसर्ट के द्वारा इसमें लाना पड़ेगा। पर अगर इससे लेंगे तो डायरेक्ट इसी से आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा। अब ये जो ऑप्शन थे जब आपने फर्स्ट टाइम पिक्चर पढ़ा था तो ये पूरे यही थे कि आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है या फिर ब्राइटनेस ज्यादा बढ़ानी है बढ़ानी है, पूरे वही थे, कर लेंगे। हाँ, क्योंकि ये पिक्चर ही है ना, आप पिक्चर लोगे तो ये फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाएगा, इस वजह से। इलस्ट्रेशंस वाले ग्रुप में कोई डाउट है? पाइवट टेबल ही रिकमेंडेड में, जैसे पाइवट टेबल आपने क्रिएट किए थे रिकमेंडेड में आपको एग्जांपल तौर पर मिलते हैं ना कि आप फॉर्मेट उनको यूज कर सकते हैं। बनी बनाई टेबल होती है, इसमें केवल डेटा दो, ये डेटा है और ओके पर क्लिक कर दो, यहाँ पे आपके खुद ही बन किया जाती है, ओके कर देंगे तो वो अपने आप बन। अब हम सी स्लिप बनाते हैं, फी स्लिप के बाद इंसर्ट टैब में यहाँ चार्ट से पढ़ेंगे, ठीक है? तो फी स्लिप बनाने के लिए आपका करना यहाँ प्लस के साइन पर क्लिक करना, यहाँ से न्यू शीट इंसर्ट हो जाएगी, आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और रिनेम पर क्लिक करेंगे, इस पर आप लिखेंगे फी स्लिप, बाहर क्लिक कर देंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा नाम। अब आप यहाँ पर तीन रो मर्ज करना, होम टैब पर जाकर मर्ज एंड सेंटर के द्वारा हम इसे मर्ज कर लेंगे, तीनों को अलग अलग मर्ज करना है, साथ में मर्ज नहीं करना है, वरना फिर वो पूरे डेटा तीन लाइन में साथ में ही लेगा और हमें अलग अलग देना। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ISO सर्टिफाइड। जैसे अगर ये याद नहीं रह रहा है तो आपके पास
सेंटर का पैम्पलेट होगा, और ना हो तो आप किसी भी टीचर से पूछ सकते हैं। यहाँ पे ऊपर ही लिखा रहता है जस्ट ISO 9001 कॉलम 2008। फिर आप शिफ्ट के साथ 7 दबाएंगे तो ये एंड का साइन आ जाएगा। इसके बाद दोबारा से 9001 सेमी ये कॉलम और फिर 2015। हाँ, जहाँ का आप बना है वहां का लगा देना, हम यहाँ का बना रहे हैं यहाँ का लगा रहे हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन मार्क होता है कि सर्टिफाइड है ये भारत सरकार द्वारा इसका। इसके बाद अब यहाँ पे सेंटर का नाम डालेंगे, सेंटर ये ICICI है, आप सब बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म पता है किसी को? वो ICICI, उसका भी कुछ फुल फॉर्म होगा लेकिन यहाँ पर आप डालेंगे क्या? किसी को नहीं पता, इंडियन कॉपरेशन इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर लिखेंगे आप कोर्स का नेम, कोर्स नेम हम यहाँ पर PGDCA डाल देते हैं। PGDCA MCU से कर रहे हैं, MCU का फुल फॉर्म ब्रैकेट में आप अपना जिस स्टूडेंट की फीस ले बना रहे हैं उसका मीडियम लिखेंगे कि वो हिंदी से है या इंग्लिश से। इतना लिखने के बाद आप यहाँ पर ये इतने 2-3 रोल लेना, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आप इसे यहाँ पे मर्ज कर लेना। यहाँ पे आप लगाएंगे सेंटर का लोगो। इसके बाद इस वाली साइड भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मर्ज कर लेना। यहाँ पर लगाएंगे हम स्टूडेंट का फोटो, आप सबके पास जो फीस ले पे वहां पे आपका फोटो लगा है तो यहाँ पे आप अपना फोटो लगाएंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे नेम, इसको मर्ज कर लेना, आप ये दो सेल को मर्ज कर लेना और फिर नीचे दो को मर्ज कर लेना। इसे भी कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे स्टूडेंट का नेम, यहाँ पर आप लिखेंगे फादर नेम, फादर नेम में पापा का नाम डाल देंगे। यहाँ पर आप डालेंगे क्लास, यानी कि ये अभी किस क्लास में पढ़ रहे हैं। अगर ये PGDCA कर रहे हैं तो मतलब फाइनल हो चुकी है, तो फाइनल के बाद अगर वो कुछ कर रहे हैं तो हम यहाँ पे MBA डाल देते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे डेट कि किस डेट को आपने फीस सबमिट की है, वो डेट लिखी जाती है। और यहाँ पर आप लिखेंगे फीस कि आपने कितना अमाउंट पे किया है, और यहाँ पर है लेट फीस। अगर 20 तारीख के बाद, जैसे नियम है कि अगर 20 के बाद आप जमा करते हैं 10 रुपए पर डे का फाइन लगता है, तो अगर वो कोई स्टूडेंट जमा करता है तो फिर वो यहाँ लिखा जाता है। यहाँ पर आप इतना ही मर्ज कर लेना और यहाँ पर आप डाल देंगे स्टूडेंट का मोबाइल नंबर। फिर यहाँ पे नोट लिखते हैं सर एक, तो इसके लिए आप इसे मर्ज कर लेंगे और यहाँ पर हम डाल देंगे नोट, और अलाइनमेंट के द्वारा इसे ऊपर ले जाकर और लेफ्ट साइड में प्लेस कर देंगे। अब आप यहाँ पर नोट लिख सकते हैं। नोट में क्या रहता है कि आपको प्रतिमाह 10 तारीख को 1000 पे करनी होती है। अगर कोई किसी और कंडीशन पे एडमिशन लेता है तो वो कंडीशन यहाँ पर लिखी रहती है, तो हम यहाँ पर वो कंडीशन लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप मर्ज करना, यहाँ पर आप लिखेंगे क्या सिस्टम नंबर कि आपको इस टाइम पे कौन कौन से सिस्टम नंबर आपको दिए गए हैं, तो 1-7, 1-5, 1-2 यहाँ पर आप मर्ज करना। यहाँ पर आप लिखेंगे कि आपके आने का और जाने का टाइम क्या है, तो 7:30 से 9:30। यहाँ पर आप लिखेंगे स्टार्ट डेट, यानी कि आपने यहाँ पे स्टार्ट आना स्टार्ट कब से किया, तो हाँ आप कहीं और पे जाएंगे तो वो आपको बताएगा कि अगर आपको बना। बिल्कुल 8-1-2024 इसका साइज थोड़ा कम कर लेते हैं तो उसमें आ जाएगा।